अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बरकत आज़ा न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज 2 सितंबर की तारीख है और नांदेड़ शहर में सैलाब की सूरत हाल काफ़ी संगीन बनी हुई है। फिलहाल हम नांदेड़ शहर के नावखा ब्रिज पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ब्रिज की हालत क्या है, यहाँ पर पानी कितना ज़्यादा बह रहा है और पूरा पानी ब्रिज के ऊपर से पूरा बह रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर पुलिस इंतजाम की जानिब से भी इंतजाम किया गया है। इसके अलावा जीव रक्षक दल के लोग भी यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और फिलहाल आज सुबह जो इत्तला मिली थी उसके मुताबिक विष्णुपुरी डैम के तकरीबन 10 दरवाजे खोल दिए गए थे। अब इसके अलावा मजीद 4 से 5 दरवाजे खोलने की इत्तला मिली है। इसलिए ऐसी इत्तला है कि तकरीबन अभी 20 फीट पानी यहाँ बढ़ सकता है। अभी जो देख सकते हैं आप, इसके अलावा 10 से 15 फीट पानी बढ़ सकता है यहाँ पर। इसलिए हमारे आवाम से ये गुजारिश है कि वो इस ब्रिज पर ना आए, क्योंकि यहाँ पर काफी रश हो गया है। इतवारा पुलिस के लोग अभी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर देखभाल कर रहे हैं। और इसके अलावा जो अतराफ के जो आसपास के जो घरों में लोग हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो यहाँ अपने घर खाली करें, क्योंकि काफी तेजी से यहाँ पर पानी बढ़ रहा है। और दोपहर तक या शाम तक ये जब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ ये पोजिशन में, आप देख सकते यहाँ भी पानी शायद आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं कि इससे पहले यहाँ पानी इस तरह से आ चुका है, इसलिए आवाम से गुजारिश है कि यहाँ पर रश ना करें। जिले इंतजाम ने भी आवाम से अपील की है कि यहाँ पर रश ना करें और कारपोरेशन के मुलाजिम और जीरो दल का साथ दें। अभी नावघाट के दोनों तरफ के ब्रिज बंद हो चुके हैं। पब्लिक से हमारा एक ही आह्वान है कि छोटे बच्चे पानी के किनारे जा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, कोई भी डेंजर जोन में जाने का नहीं। पब्लिक से एक ही आह्वान है कि वाघाड़ा शहर महानगर पालिका के हमारे जीव रक्षक यहाँ लगाए वाले, तैनात किए वाले, उनका आदेश सुनना चाहिए। विष्णुपुरी के 10 दरवाजे ओपन किए, अभी 5 दरवाजे खोलने के चांसेस है। ये शाम तक, दोपहर तक, 2 बजे तक पूरे खुल जाएंगे दरवाजे। अभी इसका ऊपर का ही पानी आ रहा है पैटर्न का। अभी हमारे दुंगा 20 लोग काम कर रहे हैं, प्रत्येक घाट के ऊपर हमारे जीव से तैनात है। कोई भी घटना होगी तो जीव रक्षक से संपर्क करना। मेरा अकाउंट 98975703939। हमारे कमिश्नर साहब, आयुक्त साहब, गिरीश कदम साहब ने बोले कि आपके जीव रक्षक घाटों के ऊपर लगा दो, हम आपका आदेश निकालेंगे बोल के ऐसा आदेश दिया उन्होंने हमारे को। हमारी टीम में लगा चुका हूँ। अभी तकरीबन 15 से 20 फुट पानी बढ़ने के चांसेस है। अगर से ऊपर की बारिश कम नहीं तो और पानी बढ़ेगा। अभी महानगर पालिका से हमारे यही जानकारी है कि जहाँ पे लोग अभी निर्धारित रहे वाली साइटों में अपने अपने ठिकाने पे जाना चाहिए, अपने नाते भाई के पास जाना है। उन्होंने केंद्र खोले ले, जहाँ पर खोले ले, तो हमारे संपर्क बेग साहब से संपर्क करो, उन्होंने आप पूरी माहिती देंगे आपको। हमारी गैस बिल्डिंग की दुकान है नावघाट पे, नावघाट ब्रिज के पास। पानी बहुत आ गया, पानी आ रहा, पानी और आने की आशा है। पानी पानी है, देखो साफ अंदर पानी है, अंदर पूरी दुकान भर गई है, पूरा सामान। हम हाँ, पूरा सामान वामान पूरा बिक गया। जूस का था, पूरा जूस का फ्रिज, जूस के सामान, मशीनरी, इलेक्ट्रिक साबुन पूरा जल गया पानी में। अपने दुकान कम से कम 10-1 साल से। हाँ, पानी का मसला एक बार आया था, दोबारा नहीं, हर साल आते रहता पानी, पर ये 2 बार आया अभी।
महापालिका से क्या डिमांड किया? महापालिका से डिमांड है कि हमारे थोड़ा कच्चे दुकान है, थोड़ा पक्के बना के दे देंगे तो हमारे और सहूलत हो जाएगी। थोड़ी सहूलत हो जाएगी, पक्के अगर दुकान हम बना के दे देंगे तो महापालिका का बहुत बहुत शुक्र हो जाएगा, रोजगार पेट भरने वाले लोग उसपे जो हमारा रोजी रोटी इसके ऊपर ही हमारा रोजी रोटी बिल्डिंग के ऊपर ही हमारी। Yeah.